अगर आप बाहर किसी यात्रा पर जा रहे हैं या ऑफिस या किसी भी काम से बाहर जा रहे हैं और वाहन में तेल नहीं है तो जरा संभल जाइए और घर से निकलने से पहले दो पहिया वाहन चालक अपने हेलमेट चेक करें और चार पहिया वाहन स्वामी अपनी सीट बेल्ट का ख्याल रखें। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि योगी सरकार की मुहिम अब असर दिखाने लगी है। 1 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप पर अब केवल उन्हीं लोगों को पेट्रोल और डीजल मिल सकेगा जो हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करते हुए नजर आएंगे। इस मामले में सरकार ने भी सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि 1 जुलाई से सभी जिलों में हेलमेट की अनिवार्यता सुनिश्चित कराएं। इसी क्रम में गोवर्धन में भी सभी पेट्रोल पंप पर एसएसपी महोदय के निर्देशों का कड़ाई से पालन होते हुए दिखाई दिया। श्री राधा रानी सर्विस स्टेशन पर पंप मालिक गौतम खंडेलवाल और थाना अध्यक्ष लोकेश सिंह द्वारा बिना हेलमेट वाले लोगों को फूल देकर हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक किया और इसके महत्व के बारे में लोगों को समझाया। वहीं कुछ पेट्रोल पंप पर लोग बिना हेलमेट के तेल लेने के लिए खड़े हुए दिखाई दिए। अच्छा, आप यहाँ पे पेट्रोल मिला आपको? नहीं मिला? क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिला? हेलमेट ना है। तो अब क्या करेंगे ऐसे में? आप बोतल लेके आऊंगा, वहाँ भरूंगा। अच्छा, तो ये जानकारी थी आपको कि आज 1 तारीख से बिना हेलमेट? जानकारी कमा रही हूँ मैं। फूल देने का मकसद सिर्फ इतना था कि व्यक्ति को उसका उत्साह वर्धन करना, उसको मोटिवेट करना कि आप अपने घर सुरक्षित पहुंचे, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन पे बिल्कुल भी ना चले। सिर्फ हमारा उद्देश्य इतना ही था और लोगों ने इसको अपने शहर से इसको स्वीकार भी किया और साथ ही साथ बड़ा हमारे क्षेत्र के जो कोतवाल साहब हैं वो भी इस मुहिम में हमारे साथ शामिल हुए और उन्होंने भी अपने हाथ से भी कई लोगों को ये फूल दे के और उनको जागरूक किया।